दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। महिलाओं के प्रति अपराधों के खिलाफ मानो सारा देश सड़कों पर उतर गया था। नए कानून बने, महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड की घोषणा हुई और ऐसा लगा मानो इस देश में कोई निर्णायक बदलाव आकर ही रहेगा। इस दिल्ली में जहां निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, वहां 10 सालों बाद क्या हालात हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के मुताबिक देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर के तौर पर देश की राजधानी दिल्ली पहले नंबर पर है। महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2020 के मुकाबले 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में सिर्फ दिल्ली में 40% की बढ़ोतरी हुई। 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,892 मामले दर्ज हुए, जो 2020 में 9,782 थे। दिल्ली में 2021 में हर दिन 2 नाबालिग बच्चियों का रेप हुआ। देश के 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ जितने अपराध हुए, उसमें से 32% केवल दिल्ली में हुए। 2021 की जुलाई में सिर्फ एक महीने में दिल्ली में रेप के 1200 मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में निर्भया फंड बनाया था। इस फंड का इस्तेमाल महिला सुरक्षा के लिए किया जाना था। इसी फंड से महिलाओं की सुरक्षा के लिए जून महीने में मुंबई पुलिस को करीब 750 चार पहिया और दो पहिया वाहन दिए गए थे, लेकिन इन वाहनों को महिलाओं की सुरक्षा की जगह मंत्रियों की सुरक्षा में लगा दिया गया है। बता दें कि जून महीने में मुंबई पुलिस को 220 बोलेरो गाड़ियां, 35 अर्टिगा गाड़ियां, 200 एक्टिवा और 313 पल्सर मोटरसाइकिल बाइक मिली थी। ये वाहन प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ किसी भी अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचने के लिए लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल महिलाओं की जगह शिंदे सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों की सुरक्षा में किया गया। इन वाहनों को शिंदे सरकार के नेताओं की सुरक्षा में लगा दिया गया। इसी से आप महिला सुरक्षा पर सरकारों की संवेदनशीलता का हाल समझ सकते हैं। दिल्ली में निर्भया के बाद भी महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं कम नहीं हुई हैं, बल्कि बढ़ी ही हैं। हमने आंकड़ों के हिसाब से भी आपको बताया, श्रद्धा वॉलकर केस हो, जहां सन की प्रेमी आफताब ने उसकी हत्या की और लाश के टुकड़े कर दिए, या हाल ही में स्कूली बच्चों द्वारा अपनी क्लासमेट के ऊपर एसिड फेंकने की घटना हो, सिर्फ इसलिए कि उस लड़की ने आरोपी लड़के से बात करने से इनकार कर दिया था। ये बताता है कि हम महिलाओं से पेश आने की परवरिश अपने लड़कों को नहीं दे पाए हैं। इसलिए अफसोस के साथ ये कहना ही पड़ेगा कि दिल्ली में निर्भया के 10 साल बाद भी महिला सुरक्षा के हालात बदतर हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।